Radio.com, विश्वास वही रफ्तार नई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां जेल में बंद हैं, उनको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। शिवपाल यादव के बाद आज आचार्य प्रमोद किशन ने उनसे सीतापुर जेल में जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद बाहर निकले प्रमोद किशन ने मीडिया के सामने कई खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आजम खां का स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है। साथ में उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ने में अब सक्षम नहीं है। इसके साथ और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरी आजम खां साहब से मुलाकात हुई और बहुत अच्छी तरह से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिया। उनकी खुद की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, उन पर बहुत जुल्म ढाए गए हैं। मैंने उन्हें गीता भेंट की है। गीता भेंट की आपने, जो हमारी धार्मिक पुस्तक है जी। मैंने गीता भेंट की क्योंकि गीता इस देश की एकता अखंडता और सत्य की लड़ाई का प्रतीक है जी। उन्होंने उसे स्वीकार किया जी। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास पहले भी गीता और रामायण थी जी, लेकिन पुलिस ने एजेंसी तो माइक कहाँ लगाया, तुमने बता दी पुस्तकें उनसे छीन ली जी। अरे ये गीता को पा करके मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो कांग्रेस में आने के लिए आपने कोई जिक्र किया? एक मिनट बात बता दीजिए पूरी पहले। पर बहुत जुल्म और ज्यादतियाँ हुई हैं जी, और उनकी सेहत बहुत ख़राब रही जी। मौत के मुंह से बाहर आए जी, जो वो अपनी हालत बयां कर रहे थे जी, उसे सुन करके मेरी आंखें भर आईं। इतना जुल्म करना किसी भी हुकूमत को शोभा नहीं देता। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु हैं, सन्यासी हैं योगी जी, से मैं आग्रह करूँगा कि राजनीति में शत्रुता का कोई स्थान नहीं है। राजनीतिक विरोधियों को कुचल देना ये सियासत का पैमाना नहीं हो सकता है। मैं योगी जी से आग्रह करूँ कि संतों का दिल बड़ा होना चाहिए। की रणनीति थे देखिए, आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके खिलाफ़ जुल्म हुआ है, आजम खां के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई है। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए, सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। मिले आप, क्या बात हुई, क्या आपने? मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है और अधर्म पर धर्म के जीत का ग्रंथ है। आजम खां साहब ने मेरी दी हुई गीता को स्वीकार किया और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत जल्दी आजम खां साहब जब अदालत के आदेश पर जेल से बाहर आएंगे तब उनसे मैं दोबारा मुलाकात करने आऊँगा, सियासत पे चर्चा तब होगी। कांग्रेस में शामिल होने पर कोई बात आपने की? ना मैं कांग्रेस की तरफ से आया हूँ, ना उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में मुझसे बात की है। मैं उनके परिवार का और उनका शुभचिंतक हूँ, मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। वो हमारे आश्रम कल्की धाम भी आते थे, आज वो संकट में हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका हालचाल जानने के लिए आऊँ, इसीलिए मैंने जिला प्रशासन से, जेल प्रशासन से
उनसे मिलने की अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।